सीधी बात में आज हम हम्पी के बारे में जो जानकारी है ये साझा करने वाले हैं। यूनेस्को द्वारा संरक्षित हम्पी ऐसा क्षेत्र है वह निर्जन है, लेकिन प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे उन्होंने किस प्रकार किले का बांधकाम किया है, वहाँ मंदिर बनाए हैं, वहाँ जो सुविधा की है वह दिखाई है। और हम्पी में जिधर देखो उधर पत्थर ही पत्थर दिखते हैं और वो पत्थर तराशे हुए हैं, लेकिन पौराणिक होने की वजह से वह भग्नावस्था में है। वहाँ पे जो मंदिर है, किले है, किला है, किले का जो परकोटा है वह सब टूटा फूटा है और वहाँ पे आज की स्थिति में कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी यूनेस्को ने उसको संरक्षित किया है। वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स लिए गए वह दिखाकर हम्पी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्पी में जो रथ है वह अपने रुपया पे छपा हुआ है और उसको बहुत पौराणिक काल से महत्व है। वीडियो छोटी होने के कारण यहाँ पर वह की जो कहानी है वह बता नहीं सकता क्योंकि ये 60 वीडियो है। और यहाँ जो चित्र में दिख रहे हैं वह सब जो कुछ भी दिख रहा है वह सब पत्थर से ही बनाया हुआ है और वहाँ पे जो स्तंभ लगे हैं पत्थर लगे रखे हैं पहाड़ियों के ऊपर में, और पहाड़ भी वहाँ पे सिर्फ पत्थर और पत्थर, वहाँ पे घास फूस भी आपको कम नजर आएंगी। जो रेसिडेंशियल एरिया है बाजू में वहाँ पे खेत खलियान होता है, लेकिन हम्पी में टोटली भग्नावस्था ही दिखती है। जिधर उधर किले टूटे हुए, परकोटे टूटे हुए, इस प्रकार वहाँ पे ये पत्थरों की ही सब कारीगरी की है, लेकिन वह प्राचीन काल की है। और अभी ये जो चित्र दिख रहा है यह अपने 10 के नोट पर छपा हुआ हम्पी का चित्र है और वह हमारा प्राचीन इतिहास देखने के लिए लोग पर्यटन करने यहाँ पर जाते हैं। वहाँ शिव मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, लेकिन कुछ जगह अच्छी है जैसे सालों से अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें टूटी फूटी दिखती है। वहाँ पे स्नानघर है, आज की हालत में एक कुआ है, लेकिन वह भग्नावस्था में होने के लिए कारण यहाँ पर दिखाते समय आपको लगा होगा, लेकिन हम्पी में पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं कि उस जमाने में इतने बड़े बड़े पत्थरों की दीवार कैसी बनाई होगी, इतने किले कैसे बनाए होंगे, महल कैसे बनाए होंगे, और वह कारीगरी देखने के लिए दुनिया भर से लोग हम्पी में आते हैं और यह विश्व प्रसिद्ध स्थान है। सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।